हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय रिएक्शन चैनल। माय नेम इज राजेश पासवान। आई होप आप सभी ठीक होंगे, हेल्दी होंगे, खुश होंगे। और आज की जो वीडियो है, अगर उसकी बात करें तो इसकी रिक्वेस्ट मुझे कल आ गई थी और मैं कल ही करने वाला था, पर कल थोड़ा बिजी था तो हो नहीं पाया। तो ये जो वीडियो है, ये एक मेघालय में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, ये उस पर है। इसके टाइटल पे है लिखा हुआ व्हाई अ फॉर्मर मिलिटेंट किलिंग ट्रिगर्ड क्राइसिस इन मेघालय। इसके न्यूज़ में भी था ये बात, ये मेघालय में कोई जो है मिलिटेंट्स के एक लीडर थे, उनको आई थिंक पुलिस ने मार दिया है और फिर उसकी वजह से जो है कुछ क्लैशेस हुए थे। अब मुझे जो पूरी खबर है नहीं पता, बस इतना था जानता कि हाँ कुछ क्लैशेस हुए थे। आई थिंक मेघालय के सीएम पे भी आई थिंक अटैक हुआ था। बाकी देखते हैं क्या है पूरी न्यूज़ और फिर करेंगे अपनी बाकी बातें। और ये जो वीडियो है, ये आपको वो मिल जाएगी स्टडी ग्लो क्लोज यूट्यूब चैनल पे। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो और फिर करेंगे हम बाकी की बातें। देखते हैं कि भाई पूरी न्यूज़ क्या थी, जान लेते हैं और उसके बाद ही मैं अपना कुछ ओपिनियन दूंगा। ओके स्टार्ट। ओके, वन टू थ्री। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोब पे आपको बहुत बहुत स्वागत है। आपको बताइए, मेघालय में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई, तो मेघालय में क्राइसिस सा क्रिएट हो गया है, मिलिटेंट को मारा और इधर दंगे भड़क गए, तो क्या खबर हम जानेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करो, इंस्टा पे फॉलो करो, टेलीग्राम पे आए कुछ छोटा मोटा क्लैश हुआ होगा। जो डेथ हुई है, चेरिस्ट फील थंकी है, ये HNLP हिने त्रेप नेशनल लिबरेशन काउंसिल HNLC का हिस्सा थे, को फाउंडर थे बेसिकली। इन्होंने ही फाउंड किया था 1980 में, 1980 में इस लिबरेशन काउंसिल को, जो चाहते थे कि एक अलग ही देश हो जाए। अब ये तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो पुलिस ऑपरेशन में इनकी जान चली गई। ऐसा हुआ है कि ये बताया, पुलिस ने स्टेटमेंट जारी किया कि थैंकिए ने पुलिस टीम को अटैक किया चाकू से अच्छा। और फिर ये भागने लगा। अब पुलिस के पास है राइट टू डिफेंस, तो प्राइवेट डिफेंस में गोली चला दी और इसकी जान चली गई। अब थंकिया की फैमिली बताती है ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर है, ये फेक एनकाउंटर है जो इसको मारने के लिए ही किया गया था। तो अब इसकी वजह से मेघालय रुक सा गया है। हमने पत्थरबाजी देखी, हम दुकान पर तोड़ फोड़ हुई। मेघालय की कैपिटल है शिलोंग, वहाँ पर ज़बरदस्त हिंसा और 18 अगस्त तक ये कर्फ्यू में है। और सबसे बड़ी बात यह है कि होम मिनिस्टर लकमेंग रंगुई ने रिज़ाइन दे दिया और ये बोला है कि जुडिशियल प्रोब, आप इसकी जांच करिए और सच्चाई सामने लेके आइए। इंटरनेट 3 दिन के लिए बंद कर दिया गया है, 4 डिस्ट्रिक्ट में सेंट्रल फोर्स को डिप्लॉय कर दिया। आई एम रियली सॉरी, ये तालिबान लिख गया है, ये तालिबान नहीं होगा एक्चुअली, इस PPT पे मैंने चढ़ा दिया कि वॉयलेंस होगा, तो इसको आप थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। ट्रैवल थोड़ा सा दिया तो इसीलिए थोड़ी बहुत गलती हो जाती है। तो कौन थे थैंक यू, तो चेरिस्ट फील थैंक यू की बात करें तो ये 57 साल के हैं, 57 साल के फाउंडिंग जनरल सेक्रेटरी हैं ये सेपरेटिस्ट HNLC। अक्टूबर 2018 में ये शिलोंग में आए, ओवरग्राउंड आए, इससे पहले तो अंडरग्राउंड थे। अब सरकार ने बोला था कि इन्होंने सरेंडर किया, इसीलिए 2018 में सामने आ गए, रिटायर हो गए थे, हेल्थ अच्छी नहीं थी। लेकिन मेघालय पुलिस का ये कहना है कि ये सब बकवास है, ऐसा नहीं था। पिछले 6 महीनों में ये काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो गए थे और हमने ये देखा है कि जो 2 लो इंटेंसिटी ब्लास्ट हुए थे, एक ईस्ट जंतिया में और एक शिलोंग के लाइतुमरा मार्केट में पिछले हफ्ते, जहाँ पे 2 लोग घायल भी हुए थे, उसमें इनका हाथ था। यानी कि ये सिर्फ एक बहाना था कि मेरी तबीयत सही नहीं है या मैं रिटायर हो गया, एक्चुअली में ये धीमे धीमे एक्टिव हो रहे थे इंसर्जेंसी में। मेघालय की DGP आर चंद्रनाथन ने इंडियन एक्सप्रेस को ये बोला कि हमारे पास पूरे एविडेंस हैं कि इनका ही इन्वॉल्वमेंट था और हमको एक टिप मिली थी कि एक और ब्लास्ट होने वाला है, ये हमको टिप मिली थी, ये हमको पता चला था कि एक और ब्लास्ट को अंजाम देने वाले हैं।
तो हम इनको गिरफ्तार करने गए और तभी अनफॉर्चुनेट इवेंट हुआ। अब जैसे ही हम गिरफ्तार करने गए, चाकू लेके दौड़े, भागने की कोशिश की, हमने गोली चलाई, इनकी जान चली गई। हॉस्पिटल इनको ले जाया गया, लेकिन उससे पहले इनकी मौत हो गई। अब इससे पहले हम आगे बढ़े दोस्तों, हमारा शानदार यूपीएससी का कोर्स आप जरूर अवेल करें, ऐप को डाउनलोड करें। तो अगर बात करते हैं मेघालय की, देखिए मेघालय वैसे तो काफ़ी ज़्यादा पीसफुल है, बहुत ही खूबसूरत है मेघालय, बहुत बारिश होती है, अभी ना मेघ का, मेघों का शहर, कैपिटल है शिलोंग। तो अगर हम बात करते हैं हिस्ट्री की, सेपरेटिस्ट मिलिटेंसी तो क्या रही है, CDPS के हिसाब से, जो कि इंडिपेंडेंट रिसर्च सेंटर आसाम में, ये जो मूवमेंट है ये आउटसाइडर्स के खिलाफ शुरू हुआ था, खार्स जिनको बोला जाता था। पहला जो सेपरेटिस्ट मिलिटेंट ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन थी वो थी HALC। अब ये जो थंकिए हैं यही HALC के को फाउंडर थे। आपको पता ही है ना कि मेघालय में या नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारी ट्राइब्स हैं, वो तो है। अब वो ट्राइब्स अपना हक मांगती हैं, इसीलिए वहां पे ऑटोनोमस 6th शेड्यूल में आते हैं ना, मेघालय आसाम त्रिपुरा मिजोरम 5th शेड्यूल में भी। तो ये नॉर्थ ईस्टर्न के लिए स्पेशल है, इनको ऑटोनॉमी काफ़ी ज़्यादा दी गई, ऑटोनॉमस आर्टिकल 371 के तहत बहुत ज़बरदस्त ऑटोनॉमी दी गई। आप ऑटोनॉमस काउंसिल बना सकते हैं, आप अपने लॉ बनाइए, हम आप ज़्यादा भारत सरकार इसमें ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करती, गवर्नर के पास ज़्यादा ताकत है। तो अब हनी ट्रैप की बात करें तो इट रेफर्स टू खासी एंड जयंतिया कम्युनिटी जो वहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्टिव है। खासी और जयंतिया हिल जो मेघालय में आपको मिलेगी, उसी के ही लिए HALC बनाया गया था। और अचिक जो है वो गैरो कम्युनिटी के लिए, तो यानी कि हनी ट्रैप, जयंतिया, खासी और अचिक, मतलब गैरो, तो तीनों ट्राइब्स को इन्होंने रिप्रेजेंट किया। 1980s में ये ग्रुप बनाया गया, बाद में HALC HNLC में स्प्लिट हो गया। HNLC खासी और जयंतिया को रिप्रेजेंट करती थी और HALC जो है वो स्प्लिट हुआ, एक बनी अचिक माकरिक लिबरेशन आर्मी और एक HALC, माने कि मतलब HNLC, यानी कि HALC में दो ब्रांचेस निकली बाद में। तो अचिक जो है वो गैरोस को रिप्रेजेंट करने लगी और खासी जयंतिया को HNLC। बाद में अचिक मातृक लिबरेशन आर्मी को ANVC, अचिक नेशनल वॉलंटियर काउंसिल से रिप्लेस किया गया। अब HNLC के को फाउंडर थे थांकिया, अब ये चाहते थे हमको भारत से आज़ादी मिले, लेकिन ANVC जो है वो बोलते थे नहीं नहीं हमको अपना होमलैंड चाहिए, लेकिन हम भारत के साथ रहेंगे, बट विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत ही हमको रूल करेगा, बस हमको ऑटोनॉमी दे दो। लेकिन HNLC बोलती थी कोई ऑटोनॉमी ऑटोनॉमी नहीं, हम तो लेंगे आज़ादी, लड़के लेंगे आज़ादी, मर के लेंगे आज़ादी। तो ये चीज मिलिटेंट है क्योंकि टेरिटरी जो है इट वॉज नेवर पार्ट ऑफ द इंडिया, HNLC का मांगना था, ये तो बिल्कुल अलग थी, कॉलोनियल टाइम्स उसको एकदम अलग रखा गया था। तो वी आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ खासी कम्युनिटी, उनकी प्राइड को हम रिप्रेजेंट करते हैं। पहले तो थांकिया बाहर से ऑपरेट करते थे, अंडरग्राउंड थे, क्योंकि भारत में रहते तो मार दिए जाते, तो बांग्लादेश से ऑपरेट करते थे। 2000 में आप समझ सकते हैं कि HNLC ने बहुत सारे बोला कि बंद करेंगे, बॉयकॉट करेंगे, इंडिपेंडेंस डे को काले झंडे फहराए जाते थे, एक्सट्रॉशन होता था, यहाँ पे रहना है तो तुम भारत सरकार को टैक्स नहीं दोगे, हमको टैक्स दोगे। अच्छा, काउंटर इंटरजेंसी ऑपरेशन हुए, इंसर्जेंसी ऑपरेशन हुए। फिर 23 जुलाई 2004 ANVC जो है, ANVC ने, देखिए HNLC तो ये था, ANVC लेकिन भारत सरकार के साथ उसने एग्रीमेंट साइन कर लिया, तो HNLC भागे। जब भारत की फौज ने फिर जब रिटेलिएट किया तो सब भागे, फिर ये बांग्लादेश से ऑपरेट करने लगे। लेकिन ANVC, क्योंकि ANVC ने पहले बोल दिया था कि देखो ऐसा है कि हम तो भारत के साथ काम करेंगे, हम तो भारत के संविधान के हिसाब से चलेंगे, हमको ऑटोनॉमी दे दो, तो भारत सरकार के साथ उन्होंने एग्रीमेंट साइन कर लिया। लेकिन 2018 में थांकिए वापस आ गए, तो दिक्कतें तो काफ़ी ज़्यादा रही। पात्रिया मुखिम जो कि पेट्रिशिया मुखिम जो कि एडिटर हैं शिलोंग टाइम्स, उन्होंने बोला कि होम मिनिस्टर RG लिंगडो HNLC के साथ उन्होंने बहुत ही फर्मली डील किया। 2000 में जब HNLC का प्रभाव ज़्यादा पड़ने लगा था, लोग वाकई में इनकी बात मानने लगे थे, लोग दुकानें बंद करने लगे इंडिपेंडेंस डे को, तब फिर जो RG लिंगडो थे उन्होंने बोला रुको अभी बताते हैं। तो जो भी फंडिंग आ रही थी, पहले तो बहुत तगड़े से इनको डील किया, पकड़ पकड़ के इनको मारा गया, तभी तो भागी ये बांग्लादेश में चले गए, और उसके बाद सब अंडरग्राउंड हो गए, सब के सब जो भी फंडिंग्स थी ख़त्म हो गई। ठीक है, तो ज़्यादातर फंडिंग्स ख़त्म हो गई तो भागे, मतलब कोई फिर वही नहीं था। अभी लास्ट सेवरल ईयर्स की बात करें, लेकिन तो मेघालय में हम ये देखते हैं कि मिलिटेंसी डिक्लाइन हो रही है,
और अब एचएनएलसी भी भारत सरकार के साथ बात करना चाहती है, लेकिन सरकार चाहती पहले सरेंडर करें, आर्म्स एंड एम्यूनिशन पहले ये छोड़ें, उसके बाद ही बातचीत करेंगे, उससे पहले तो हम बात नहीं करेंगे। तो पहले तुम सरेंडर करोगे, पहले आर्म्स एंड एम्यूनिशन को छोड़ोगे, फिर हम जाके तुमसे बात करेंगे। तो आप देख सकते हो कि इतने साल से ये लोग लगातार सरकार के खिलाफ लड़ रहे थे, लेकिन इनको मिला क्या? कुछ नहीं, कुछ नहीं मिला इनको, और नहीं मिलता है। सरकार के खिलाफ आप लड़ ही नहीं सकते। तो अब एचएनएलसी भी लाइन पे आ गई, कहते कि नहीं नहीं हम आपके साथ बात करने को तैयार। अब अभी क्या हुआ, अब संडे को जब इनकी डेथ हुई तो बहुत सारे लीडर्स जो थे, जो थैंकिया का फ्यूनरल था उसको ज्वाइन किया। प्रेशर ग्रुप्स ने बोला कि ब्लैक फ्लैग डे मनाएंगे हम, शिलोंग में बैनर्स लगा दिए गए कि जस्टिस फॉर हिम, जस्टिस फॉर थैंकिया, अर्बन लेजेंड हो गया। अब ये बड़ा खतरनाक हो गया, अभी तक सब कुछ ठीक था, लेकिन इनकी डेथ ने एकदम से यहाँ पे प्रोटेस्ट जो है वो स्पार्क कर दिए। बहुत सारे लोगों ने प्रोटेस्ट में भाग लिया और फिर हमको वॉयलेंस देखने को मिला, हिंसा देखने को मिली। दो पेट्रोल बॉम्ब फेंके गए सीएम कॉनराड सांगमा के घर पे अपर शिलोंग में, ये और खतरनाक। तो ऑब्जर्वर्स का हालांकि ये मानना है कि देखिए जो गुस्से का डिस्प्ले है, जो ये गुस्सा इतना दिखा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि पब्लिक जो है वो एचएनसीएल को सपोर्ट करती है, लेकिन ये बता रही है कि स्टेट गवर्नमेंट किस तरीके से फंक्शन कर रही है। ये गुस्सा है, आप एचएनएलसी के लीडर्स को, या अगर उसको डील बहुत पहले से डील कर रही है तब तो लोग शांत थे, लेकिन अभी लोग गुस्से में आए हैं क्योंकि लोगों का ये मानना है कि जो एटीट्यूड है लॉकडाउन में, एटीट्यूड सरकार का बहुत ही गंदा रहा है। करप्शन हद से ज़्यादा हो गया है, एनकाउंटर काफ़ी ज़्यादा, फेक एनकाउंटर्स काफ़ी ज़्यादा होने लगे, इलीगल कोल माइनिंग होती है यहाँ पे, उसकी कोई बात ही नहीं करता है, स्कैम्स हो रहे हैं, हमको बैड गवर्नेंस देखने को मिल रही है। असली मुद्दा तो ये है, एचएनएलसी तो बस एक बहाना है। पॉलिटिकल रैमिफिकेशन क्या है, तो होम मिनिस्टर रिम्यू ने रिजाइन कर दिया है, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी जो कि सीएम संगमा के नेशनल पीपल्स पार्टी के वहाँ पे गठजोड़ की सरकार है ना, उनके एलाई हैं, और सरकार को बोला है कि आप इसकी जुडिशियल जांच कराओ, ऐसे नहीं होगा, हमने अपनी पार्टी लीडरशिप से कंसल्ट किया और ऐसे तो हम नहीं मानेंगे। सांगमा ने बोला कि हमको रैम्बुई का लेटर मिला है, अभी तक हमने डिसीजन नहीं लिया कि हम उनको निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे, मैं चीफ मिनिस्टर हूँ, मुझे सब कुछ देखना है, सारी चीज़ें मैं एग्जामिन करूँगा और फिर मैं डिसीजन लूँगा। मंडे को कैबिनेट ने फाइनली अनाउंस किया कि हाँ जो डेथ हुई है हम उसकी जुडिशियल प्रोब कराएंगे, पीस कमिटी बैठेगी जिसमें मिनिस्टर्स होंगे, मेंबर्स फ्रॉम द सिविल सोसाइटी, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिटी है, ये देखेंगे सारी चीज़ों को। तो फिलहाल सिचुएशन जो है वो थोड़ी सी खराब होती हुई हमको दिख रही है। तो चलिए पढ़ते रहिए, दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। तो ये थी भाई न्यूज, फॉर्मर मिलिटेंट। ओके, तो वो जो पर्सनालिटी थे तो वो एक मिलिटेंट थे, देश इंडिया से अलग होने की मांग कर रहे थे, जो कि ऑब्वियसली गलत है। मैं तो ऐसे किसी मूवमेंट को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता। और लोग, जैसे कि बताया कि वहाँ की गवर्नमेंट से बहुत जो है नाखुश हैं, करप्शन बढ़ गया है और बहुत सारे मेजर इश्यूज पर वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो कुछ नहीं कर रही है। और बाकी देखते हैं कि आगे का क्या होता है। मेरे ख्याल से अब सेंटर जो है इंटरवीन करेगी और मामला थोड़ा जो है वो शांत करेगी। वैसे नॉर्थ ईस्ट के पास बहुत सारी जो है इकोनॉमी है जो इंडिया के बाकी स्टेट्स के पास नहीं है, तो सेंटर इतनी जल्दी इंटरवीन नहीं करती है ड्यू टू देयर डोमिनेंस, जो उनके पास वो अटोनॉमी है, जो उनके पास अटोनॉमी। और पर स्टिल अब जो मामला इतना ख़राब हो रहा है तो आई थिंक होम मिनिस्टर जो है हमारे अमित शाह, वो अब इंटरवीन करेंगे और जल्दी सब कुछ हो जाएगा सही। तो ये थी वीडियो। और मुझे एक बात की बड़ी खुशी हुई कि ये जो ग्रुप बना था एचएनसी वो बाद में टूटा और एक ग्रुप ने जो है पीसफुल तरीके से अपनी जो वाजिब और सही डिमांड थी कि चलो हमें हमें इंडिया से अलग नहीं होना, आप हमें जो मतलब वो इकोनॉमी दे दो और हम खुश हैं, तो गवर्नमेंट ने सुनी उनकी बात। पर आप बिल्कुल अलग होने की बात करोगे तो वो तो फिर दिक्कत वाली बात है, क्योंकि इंडिया जो है वो यूनियन ऑफ स्टेट्स है
और यूनियन ऑफ स्टेट्स में से आप अलग नहीं हो सकते। यूएसए एक फेडरेशन ऑफ स्टेट है, वहाँ पर क्या है कि वहाँ की कोई स्टेट अगर यूएसए से अलग होना चाहे तो वो हो सकती है। संविधान में मतलब उनके जो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा है, ये एक लूप होल है, पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया की कोई भी स्टेट इंडिया से अलग नहीं हो सकती है, मतलब लीगल वे में। बाकी कुछ आर्म्स अम्यूनिशन करके कुछ तालिबानियों की तरह कुछ कर दे तो बात अलग है, पर फिर हमारी मिलिट्री जो है वो नहीं करेगी, तो अलग होना तो जो है जो पॉसिबल नहीं है। और वैसे भी भाई, अगर आपको कोई दिक्कत है तो उठाओ मामला। और मेरा मानना है कि इन गवर्नमेंट जो है वो काफ़ी हद तक सबकी बात सुनती है, और इंडिया में जितनी मतलब आज़ादी है लोगों को, मतलब किसी और देश में इतनी आज़ादी है, यहाँ पर तो लोग खुलेआम इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को जो गाली दे देते हैं, कुछ नहीं होता है। और भी बहुत सारे एक्सट्रीम स्टेप्स कर देते हैं और इतना कुछ होता नहीं है। और यही काम आप किसी जो किसी अरब कंट्री में या फिर कहीं और जो है वो करोगे तो आपका पता नहीं क्या ही हाल होगा। ओवरऑल बड़ी सैड सी ये इवेंट हुआ है, पर आई होप सब कुछ जल्दी हो जाएगा सही। और जो लोग मेघालय से हैं, आप बताओ कि आपके वहाँ पर अभी क्या हालात हैं, क्या सब कुछ नॉर्मल हो गया यार? अभी भी वहाँ पर कुछ जो है वो टेंशन बनी हुई है। प्लीज़ कमेंट डाउन योर व्यूज़ ऑन दिस टॉपिक। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय, टेक केयर।